नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं आपके साथ मिलकर, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसी यात्रा का एक बहुत ही मेजर पड़ाव लेकर आया हूं। बेसिकली अल्फा पोर्टफोलियो ने कंप्लीट कर लिए 6 महीने, और आप में से कई लोग अल्फा पोर्टफोलियो मेरे साथ शुरू से जुड़े, और कुछ लोग शायद जानते भी नहीं अल्फा पोर्टफोलियो क्या है। लेकिन आज का वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो हमारे अल्फा पोर्टफोलियो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में तो हम बात करेंगे। क्या अल्फा पोर्टफोलियो ने 70% के रन रेट से चल रहा है, ये हम बात करेंगे। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं, पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, या काफी समय से हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है, तो एक नया तरीका, एक नई ऐसी चीज आपको समझने को मिलेगी जिससे बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, बहुत लोगों का मेरे को प्यार मिल रहा है, क्योंकि हमने पोर्टफोलियो नहीं बताया, हमने एक प्रोसेस बताई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपके साथ ये जर्नी अल्फा पोर्टफोलियो की, कि अल्फा पोर्टफोलियो में पिछले 6 महीने में क्या क्या हुआ स्टेप बाय स्टेप, और अभी हम कहाँ खड़े हैं, और हमारे आगे के क्या प्लान है, और आपके लिए इस प्रोसेस में क्या है, आप क्या इससे सीख सकते हैं, कैसे इस प्रोसेस से आप भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अच्छे से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अल्फा पोर्टफोलियो के 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अल्फा पोर्टफोलियो ने क्या 70% CAGR दिया, क्या 70% के रन रेट से हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 मंथ ऑफ अल्फा पोर्टफोलियो, क्या क्या हुआ इन 6 महीने में, क्विकली वो रिकैप कर लेते हैं। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं अल्फा पोर्टफोलियो को लेकर, तो भी आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि शुरू के पार्ट में हम सब चीजें कवर करेंगे बहुत ही जल्दी जल्दी। तो अल्फा पोर्टफोलियो हमने 6 महीने पहले आज से बनाया था, अगस्त के महीने में, अगस्त 2023। हमारे दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि कम से कम 30% के हम 30% पैसा बना सकते हैं स्टॉक मार्केट से, और अगर 30% एक साल में बना लें तो बहुत ही अच्छा एक रिटर्न माना जाएगा। और फिर क्या उसका मतलब ये भी हुआ कि क्या हम इंडेक्स को 15% से बीट कर सकते हैं। अगर हमने 30% नहीं भी बनाया, ऐसा ऐसे हो सकता था कि अगर स्टॉक मार्केट इस बीच काफ़ी नीचे जाती तो हम 30% नहीं बना पाते, तो क्या हम इंडेक्स को 15% से बीट कर पाते। और इसमें हम स्मॉल कैप इंडेक्स ले रहे हैं जिसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि हमारे अल्फा पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप शेयर्स हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव मेरा पर्सनली ये था कि लोगों को सिखाया जाए कि कैसे पैसा बनाया जा सकता है स्टॉक मार्केट में दूसरों की मदद लिए बिना। मतलब आम आदमी की सबसे बड़ी तकलीफ यही होती है कि यार हमें तो समझ में नहीं आता कि पैसा कैसे बनते हैं, जो भी शेयर हम खरीदते हैं वो नीचे गिर जाता है, जो बेचते हैं ऊपर चढ़ जाता है। तो आम आदमी की साइकोलॉजी को लेके अगर आपने पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो किया है मेरे साथ, तो आपको समझ में आ गया होगा एटलीस्ट एक तरीका कि जिससे काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। रिस्क तो हमेशा ही होता ही है स्टॉक मार्केट में। तो क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन ये, क्या अल्फा पोर्टफोलियो 70% CAGR 70% रिटर्न दे रहा है? आंसर है हाँ। और इसका आंसर की डिटेल क्या है और क्या ये सही में है नहीं, ये आपको आगे पता चलेगा इस वीडियो में। तो अब अल्फा पोर्टफोलियो को, जब हमने पोर्टफोलियो शुरू किया था 5 लाख रुपए से, अब हम 10 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक तरह से और सीरियस होता जा रहा है, क्योंकि सीरियस पैसा मेरा खुद का लगा हुआ है। आप तो उस पैसे पर बिल्कुल सीख रहे हैं मेरे साथ, 5 लाख से जब हमने जर्नी शुरू की तब से। और तो इस पोर्टफोलियो में नॉर्मल इन्वेस्टर्स आप जैसे लोगों के लिए क्या है, बहुत सारी सीखे हैं दोस्तों। अगर आप ऑलरेडी आप इस पोर्टफोलियो को फॉलो कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो एक लाइक क्लिक कर दीजिए। क्या इस पोर्टफोलियो में गारंटेड इनकम है? ऑब्वियसली गारंटी कुछ नहीं होती स्टॉक मार्केट में, और हम तो कोई पोर्टफोलियो आपको बता भी नहीं रहे, हम तो केवल एक प्रोसेस आपको सिखा रहे हैं। लेकिन इतना मुझे पक्का पता है, बहुत लोगों को बहुत फायदा हो रहा है अल्फा पोर्टफोलियो से। हमने खासकर मैंने तो ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह शुरू किया था। मैंने क्या किया था कि अल्फा पोर्टफोलियो की एक प्रोसेस बनाई थी 6 महीने पहले, आप अल्फा 1.0 का वीडियो देख लीजिए, और उसमें एक अलग से अकाउंट खोला था अपना, अकाउंट एंजल 1 में। उस अकाउंट में 5 लाख रुपए डालकर केवल इसी काम के लिए वो अकाउंट मैं यूज कर रहा हूँ। हर हफ्ते में एक या दो वीडियो उस अकाउंट के डायरेक्टली अपलोड करता हूँ, शॉर्ट वीडियो 1-1 मिनट की, जिससे आपको पता लगे एग्जैक्टली अकाउंट के अंदर क्या चल रहा है। और हर अपडेट आपको इंक्लूडिंग द पोर्टफोलियो अकाउंट का देखने को मिल जाता है हर हफ्ते। कुछ भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर भी नहीं हूँ, बस ये प्रोसेस है, ये एक सीख है जो मैंने बहुत मेहनत के साथ सीखी है, और मैं चाहता हूँ कि हर इंसान कुछ ना कुछ नया सीखे। तो इस वीडियो में, इस पोर्टफोलियो में आपके सीखने के लिए बहुत कुछ है। मेरी कोई भी पेड सर्विस भी नहीं है, अगर आप पोर्टफोलियो बनाए ना बनाए मुझे कुछ फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इस वीडियो को लाइक क्लिक करेंगे, इस वीडियो पे एक कमेंट लिखेंगे कुछ भी, और अगर सब्सक्राइब करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल को, अगर ये चैनल औरों के साथ शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, यही मेरा मोटिवेशन है।
तो अगर आप तक आपने इनमें से कोई भी एक काम नहीं किया है तो एक पॉज लेकर ये काम कर दीजिए, एटलीस्ट एक लाइक तो क्लिक कर ही दीजिए, और वीडियो अच्छा लगेगा और तो कमेंट भी बाद में डाल देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अल्फा पोर्टफोलियो 21 अगस्त 2023 5 लाख कैपिटल से हमने शुरू किया था, और फिर हर स्टेप, हर महीने हर स्टेप मैंने यूट्यूब में शेयर किया आपके साथ। एक्सेल शीट भी मैंने हर किसी के साथ शेयर की हुई है। मैं देखता हूँ हर रोज कई सारे लोग एक्सेल शीट में लॉग्ड इन रहते हैं ये देखने के लिए कि अल्फा पोर्टफोलियो 1 में क्या हुआ, 2 में क्या हुआ। सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने मैंने ये पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बनाया है। 6 महीने हो गए हैं और अभी अभी हमने अल्फा 5.0 क्लोज किया। 5.0 मतलब हर महीने, हर 5 हफ्ते में हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसको बोलते हैं अल्फा 1.0, 2.0, 3.0। अभी अभी हमने अल्फा 6.0 बनाया, लेकिन 6 महीने हो गए हैं अल्फा 5.0 क्लोज किया है। तो आज हम उसकी बात करेंगे कि 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड हमारा कैसा रहा। जैसे मैंने बोला हर राउंड 5 हफ्ते का था, 6 महीने के रिजल्ट जो है दोस्तों बहुत ही इनकरेजिंग है, बहुत एक्सपेक्टेड से बहुत अच्छे रिटर्न है मेरे। इसीलिए मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि कई लोगों ने तो सेम पोर्टफोलियो बनाकर मेरे से भी ज़्यादा पैसा कमा लिया, क्योंकि उनकी टाइमिंग मेरे से थोड़ी बेटर हो गई, और कई लोगों ने सिमिलर कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करके और भी पैसा बनाया, जो बहुत अच्छी बात है। हर महीने 50,000 कैपिटल ऐड किया है, तो एक हर महीने मतलब कि हर राउंड में, तो हर राउंड 5 हफ्ते का होता है, तो कैपिटल अभी 7.5 लाख हो चुकी थी 5 इटरेशंस में। अभी हमने $50,000 डाला, तो एक तरह से 8 लाख कैपिटल हमारी टोटल हो चुकी है, लेकिन इस डिस्कशन के लिए 7.5 कैपिटल हमारी हो चुकी थी। रिजल्ट क्यों है अच्छे? क्योंकि हमने एक विनर की साइकोलॉजी फॉलो की है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में सेम पोर्टफोलियो बनाकर भी कई लोग पैसे लूज कर जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वीक पड़ जाते हैं, कहीं अपना दिमाग लगाते हैं। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में किसी भी फॉर्म में पैसा कमाने के लिए। और अगर आपको कुछ सीखना है, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है स्टॉक मार्केट से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। इसीलिए ध्यान से पूरा पूरा वीडियो देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही दें, मुझे पता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि अल्फा पोर्टफोलियो कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए क्यों है, उन लोगों के लिए जिनको स्टॉक मार्केट का ज्यादा आइडिया भी नहीं है, क्योंकि उनको हमेशा ये डर लगता है। अगर आपको, आप कॉमन इन्वेस्टर हो, आपको ये डर लगता है कि मेरे को स्टॉक मार्केट के बारे में पता ही नहीं है। तो अल्फा पोर्टफोलियो एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आपका वो डर निकल सकता है, थोड़ा सा आप फॉलो करें तो। अगर आपको कोई एक्सपर्टीज नहीं है, और अगर एक्सपर्टीज नहीं होता है तो गलत डिसीजन हम लोग ले लेते हैं। मैंने ये सब चीजें झेली है, इसीलिए मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। या फिर आपको अनसोलिसिटेड ट्रिप्स मिलते हैं SMS में, व्हाट्सएप में, सब के सब ट्रैप होते हैं किसी ऑपरेटर के, तो उससे आप बच सकते हैं। इसीलिए एक पोर्टफोलियो बनाना है सीख के साथ। और कई बार जान पहचान वाले लोग भी जो टिप देते हैं, भले ही वो एक अच्छे इरादे से टिप दे, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है और रिलेशनशिप खराब हो जाती है। अल्फा पोर्टफोलियो एक ब्रेनलेस एक्टिविटी है, हाँ दोस्तों, क्योंकि ये प्रोसेस है, प्रोसेस का रिजल्ट है, ब्रेनलेस एक्टिविटी है। आप कुछ समय केवल ऑब्जर्व कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन समझिए इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली हमने किया क्या है कि एक क्राइटेरिया डिफाइन किया, उस डिफाइन क्राइटेरिया के बेस पर हमने कुछ एक क्वेरी रन की, उससे जो पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो हमने बना दिया। बेसिकली एक प्रोसेस डिफाइन की, उसी को हमने फॉलो किया। उसमें ये भी है कि प्रॉफिट कब बुक करना है, लॉस कब बुक करना है, बेसिकली हर 5 हफ्ते बाद हमें पोर्टफोलियो को पूरा का पूरा चर्न करना है। तो इस काम में कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। 6 महीने बहुत ही जबरदस्त काम किया है इसने। जैसे मैंने बोले कॉन्सेप्ट है, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखिए इस बात को। तो अल्फा पोर्टफोलियो की प्रोसेस बहुत ही सिस्टमेटिक है। हमने 21 अगस्त को एक क्वेरी बनाई थी, उसको रन किया। उस क्वेरी में हमने बेसिकली टॉप, उस क्वेरी के टॉप 10 स्टॉक्स को हमने सेलेक्ट किया। उन स्टॉक्स में हमने 50-50 हज़ार रुपये लगाए। ये बेसिकली 21 अगस्त की बात है। तो उसको फिर उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया। हर 5 से 6 हफ्ते में क्वेरी रन करते थे, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो चर्न कर देते थे। और एंजल वन में, जैसे मैंने बोला, 5-5 लाख से सेपरेट अकाउंट खुलाया था बेसिकली। अब देखते हैं आगे हम कहाँ पर हैं। तो चलिए 5.0, तो पहले ही शुरू करते हैं सबसे एंड में। अभी अभी अपने अल्फा पोर्टफोलियो 5.0 बंद किया है, तो देखते हैं अल्फा 5.0 कैसा रहा। तो अब तक का बेस्ट पोर्टफोलियो, बेस्ट राउंड मेरे हिसाब से अल्फा 5.0 था। क्यों था? एक, क्योंकि अल्फा 4.0 ने केवल 3.9% गेन दिए थे, जबकि उस समय इंडेक्स ने 7.3 गेन दिया था। तो एक तरह से अल्फा 4.0 हमने लूज किया था। इंडेक्स, यहाँ पे हमारा इंडेक्स है मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स है,
अल्फा 5.0 ने सारे के सारे रिकॉर्ड्स अब तक के बीट कर दिए, अभी आप देखेंगे। तो अब आप ये पूछेंगे यार ये लकी है या ये प्रोसेस है, ये लक ने काम किया क्या प्रोसेस ने काम किया। देखिए लक एक बार दो बार काम कर सकता है, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर किसी चीज़ से रिजल्ट आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोसेस को फॉलो करने ने हमारी मदद की है अच्छा पैसा बनाने के लिए। जो पांचवा राउंड था वो 5 हफ्ते के बजाय 6 हफ्ते का था, क्योंकि हमें आधा साल करने के लिए 26 वीक्स कंप्लीट करने थे, तो 5 5 हफ्ते के 4 और फिर 6 हफ्ते का 1 राउंड। तो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन इस राउंड में रहे। तो चलिए स्टॉक बाय स्टॉक हम देखेंगे कि किस स्टॉक में कैसे अप्स एंड डाउन रहे, और आपको स्टॉक्स को देख के लगेगा कि पैसा बना भी है नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमारा स्टॉक है, तो ये जो ग्राफ है ये हमारा ग्राफ है, ये जो प्लस साइन है हमारा वीडियो का कि हमने कब कब हमने वो खरीदा था, बेसिकली 8 8 जनवरी 9 जनवरी ऐसे हमने कुछ खरीदा होगा उसको, और बेसिकली मार्च में, सॉरी WPIL क्योंकि हम कैरी फॉरवर्ड किए थे, मार्च में हमने खरीदा, फरवरी में खरीदा होगा हमने। तो हमारे खरीदने के बाद स्टॉक कैसे गया, अगर आप इस स्टॉक को देखो WPIL, सबसे पहला स्टॉक है WPIL, हमने यहाँ पे खरीदा और उसके बाद ये बहुत ऊपर तक गया, अगर 3813 तक गया, 4600 तक जाकर भी, लेकिन पिछले महीने इसमें, हाँ ये जो ग्राफ है ये 4 घंटे का ग्राफ है, तो हर 2 कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है इस ग्राफ में। तो अगर आप देखो तो इतनी जोर से खट 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 नीचे आया, ये 8 जनवरी को बनाया, तो एक तरह से 8 दिन लगभग लगभग 8 दिन लोअर सर्किट लगता रहा इसमें, तो बहुत अच्छा गेन हमारा नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए एक ये ऐसा भी होता है कि अच्छे खासे प्रॉफिट का लॉस हो गया, जो हमारा पहला स्टॉक था। ये मैंने स्टॉक्स उसी ऑर्डर में इस ग्राफ में इस वीडियो में डाले हैं जिस ऑर्डर में हमने उनको क्वेरी में आए थे। तो ये पर्पल कलर है हमने कब खरीदा, और फिर ये ब्लू कलर है हमने किस पॉइंट पर निकले, कहाँ हमने इसको बंद किया, WPIL हो गया। दूसरा स्टॉक हो गया बालू फोर्ज, बालू फोर्ज भी अगर आप देखो तो हमने जिस पॉइंट पर खरीदा, खरीदते ही थोड़ा ऊपर गया और फिर ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, तो बेसिकली प्लस माइनस, फाइनली ये हमें रेड में ही बंद हुआ हमारा बालू फोर्ज। और फिर तीसरा स्टॉक हमारा मोतीसंस ज्वेलर्स, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक तो IPO का शेयर था, पहले मेरे को डर लगा लूँ कि नहीं लूँ, लेकिन क्वेरी के रिजल्ट में आया था तो हमने ले लिया, IPO होने के 5 दिन बाद हमने लिया और बहुत तेजी से भागा ये, 131 से लेकर के एक पॉइंट पर ये 240 250 भी हो गया, तो एक तरह से बहुत अच्छा गेन था। उसके बाद ये थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट हुआ, तो एक तरह से हमें इस पॉइंट पर 187 के करीब हम इससे निकले। चौथा स्टॉक 5 पैसा कैपिटल, ये तो शायद काफी गलत इन्वेस्टमेंट रही, क्योंकि जब हमने खरीदा उससे एक दिन थोड़ा सा ऊपर रहा, उसके बाद नीचे गिरा और एक ही पॉइंट रेंज में रहा, और फिर हमें काफी लॉस के, बहुत बड़ा लॉस नहीं पर हम 20% अच्छा खासा लॉस था। छठा स्टॉक, 5वां स्टॉक का क्रैक्सन टेक्नोलॉजीज, इसमें भी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे, फाइनली एक दिन बड़ी रेड कैंडल आई और ये हमारा इतने लॉस में चला गया। फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉक है धानुका एग्रीटेक, धानुका देखिए हमने 2 पार से चल रहा था, अल्फा 4.0 का भी पार्ट था, अल्फा 5.0 यहाँ पे कन्वर्ट हुआ था। तो बेसिकली अल्फा 5.0 में धानुका ने थोड़ा गेन दिया, फिर फाइनली लॉस होकर लगभग न्यूट्रल पे बंद हो गया, लेकिन अल्फा 4 में हमने इसको 971 पे खरीदा था, तो काफी अच्छे मोमेंटम में था इसलिए हमने इसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया था। नंबर 7 है फीएम इंडस्ट्रीज, तो इसने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, एक तरह से 2318 से 5 दिन के अंदर ये काफी ऊपर चला गया था, तो एक तरह से यहाँ पे बंद करना बेस्ट रहता, लेकिन प्रोसेस के हिसाब से हमने इसको मंथ एंड तक बंद किया, तो हमें इसमें अच्छा गेन मिला। और फिर हमारा बेस्ट शेयर था ये सालासर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, अगर आप इसको देखो तो हमने इसको 14.4 रुपीज पर लिया था, लिया तो जहाँ हमने लगभग 70 रुपये पे, लेकिन ये शेयर अगर आप देखो कितने सारे अपर सर्किट मारे इसने, और हुआ क्या दोस्तों, ये शेयर हमने लेने के बाद इसमें हमें स्प्लिट मिल गया 1:5 का, तो इसीलिए 70 रुपये का शेयर 14 रुपये की हमारी कॉस्ट हो गई इसकी, और इतने सारे अपर सर्किट मार कर लगभग 8 दिन लोअर सर्किट मारता रहा, तो हमारे पास जितने भी शेयर्स थे हमने लगभग शायद 1600 शेयर्स, 1400 शेयर्स लिए थे हमने, 1400 तो बेच दिए, लेकिन तब तक बोनस वाले शेयर्स आए नहीं थे इसलिए उनको नहीं बेच पाए, तो जैसे जैसे आते गए मैं थोड़ा बेचता गया उनको, तो हमने उनको 34 रुपीज़ पर बेचा, 25 पर बेचा, 24.4, एक्चुअली वो पॉइंट था जिस पॉइंट पर हमने इसको केवल 2007 में से 2000 शेयर्स अकाउंट में छोड़ दिए, बाकी शेयर्स मैंने बेच दिए, और
हमारा विनर है, अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस हमारा ये स्टॉक कर रहा है। लगभग 81% ओवरऑल गेन हमने इसमें हासिल किया है। कुछ पार्ट तो हमने इसका, ये जो यहाँ बेचा था, वो तो हमने लगभग 140% 150% पे बेचा था। ऑन एन एवरेज हमें 84% मिले। तो देखिए, ये स्टॉक शायद हल्का सा नीचे एक दो दिन गया था, उसके बाद मतलब के लगभग 5-6 दिन तक तो इसने कुछ रिटर्न ही नहीं दिया, और उसके बाद अगले 15 दिन में इतना जबरदस्त रिटर्न दिया। साला सा टेक्नोलॉजी, इतना गेन मेरे को आज तक किसी भी शेयर में नहीं मिला है अल्फा पोर्टफोलियो की जर्नी में। तो ये ही कुछ चीजें होती हैं कि अगर आप 10 शेयर खरीदेंगे तो कोई ना कोई शायद आपको एक बढ़िया रिटर्न दे दे। और फिर ऑर्किड फार्मा, ये अगर आप देखो तो ऑर्किड फार्मा भी लेने के बाद लगभग 10 दिन तक बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, उसके बाद इतनी तेजी से चढ़ा, अभी भी चढ़ने के मोमेंटम में है। तो इसलिए इसको हमने मेंटेन भी किया है, अल्फा पोर्टफोलियो 6.0 में भी इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये हमारा रनर अप रहा है, 44% का गेन हमें इसमें मिला है। लेकिन देखिए, आपके पता नहीं कब चलेगा, लेकिन मोमेंटम वाला शेयर उठाया तो हमारी क्वेरी का कमाल है। कौन सी क्वेरी, क्या हमारा क्राइटेरिया, तो वो मैं आपको एक बार फिर से आगे बताऊंगा, उसकी फिक्र मत कीजिए। अब फिर नेक्स्ट हो गया स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स हमने जिस पॉइंट पर लिया उसी पॉइंट से थोड़ा नीचे भटकता रहा, लेकिन हुआ क्या, बाद के एक हफ्ते में काफी तेजी से ऊपर जाने लगा है। तो इसलिए भी मैंने इसको भी मैंने रिटेन कर लिया अल्फा 6.0 में, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन काफी अच्छा, काफी डिसेंट स्नोमैन लॉजिस्टिक इस पॉइंट पर लग रहा है। और फिर एक स्टॉक की बात करनी पड़ेगी, आईएमजी का वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। एक्चुअली हुआ क्या, जब हमने पोर्टफोलियो में से सलासर के शेयर्स बेच दिए बोनस वाले, तो जिससे जो पैसा मिला 9 फरवरी के आसपास, उससे हमने थोड़ा सा आईएमजी का वर्ल्ड एंटरटेनमेंट खरीद लिया, क्योंकि अभी पैसे हमारे पास थे और अगली क्वेरी हमने रन की तो ये आया सबसे ऊपर। तो ये हमारे खरीदते ही थोड़ा नीचे गिरा, थोड़ा ऊपर गिरा, फिलहाल न्यूट्रल चल रहा है ये तो। अल्फा 6.0 में ये तो है ही है। तो ये पूरी की पूरी होगी हमारी समरी अल्फा 5.0 की। अगर इस समरी को हम देखें एक टेबल के फॉर्म में, तो ये हमारी होगी उसकी टेबल। तो अगर आप देखो तो ओवरऑल हम देखें तो अल्फा 6.0, ये जो हमारा 5.0, अल्फा 5.1, इसका ओवरऑल गेन 12.3% आया दोस्तों। मतलब कि 6-6 हफ्ते में 12.3% गेन, कितना जबरदस्त प्रॉफिट है। इतना प्रॉफिट तो हमने किसी भी अल्फा में नहीं देखा। बेस्ट परफॉर्मेंस जैसे हमने बोला सालासर में रही, हमारी लगभग 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में 82,000 रुपीज का गेन था। सेकेंड बेस्ट परफॉर्मेंस हमारी ऑर्किड फार्मा में रही, इसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया है अगले महीने, 44% का गेन। और थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस मोतीसंस ज्वेलर्स 39। तो बहुत अच्छे गेन्स मिले हैं, जबकि जो लॉसेस थे इस बार लॉसेस भी काफी शेयर्स में हैं, लेकिन अगर आप देखो तो उतने ज्यादा नहीं है। 5 पैसे में 20% लॉस, WPIL 13% लॉस, बालू फोर्ज 11.9% लॉस, और ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज 11.33% लॉस। तो एक तरह से हुआ क्या कि गेन्स लॉसेस से ज्यादा बड़े थे। अगर हम देखें तो केवल सालासर का जो अपना प्रॉफिट था, वो ही इन चारों के लॉस को मिला के उससे ज्यादा प्रॉफिट था। तो इसीलिए इस पीरियड में स्मॉल कैप ने 4.26% का प्रॉफिट दिया। तो एक तरह से हमने उसको हमने काफी अच्छे से बीट कर दिया लगभग 8% से। तो उस हिसाब से देखो तो बहुत अच्छा हमारा पोर्टफोलियो रहा। तो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन अल्फा 5.0 के क्या थे, तो मैंने लास्ट वाला काउंट नहीं किया आईएमजी का, 5 शेयर्स पॉजिटिव, 5 शेयर्स नेगेटिव। एवरेज नेगेटिव शेयर्स -11%, ये हर बार के पोर्टफोलियो से ज्यादा था, हर बार 10% से कम होता था। इस बार नेगेटिव का एवरेज -11% था, लेकिन पॉजिटिव का एवरेज 30% था। तो एक तरह से उस हिसाब से हमने काफी अच्छा गेन किया। 3 शेयर्स मोतीसंस ऑर्किड फार्मा सालासर ने 25% से ज्यादा रिटर्न दिया। इनफैक्ट पहली बार अल्फा पोर्टफोलियो की हिस्ट्री में पहली बार 40% गेन हमने क्रॉस किया है, और सालासर ने 81% दिया और ऑर्किड फार्मा ने 44% दिया। बहुत ही जबरदस्त गेन मिला हमें। तो जैसे मैंने बोला कि सालासर एक पॉइंट पे तो 130% ऊपर था, तो बहुत अच्छा रिटर्न हमें सालासर में मिल रहा था, लेकिन क्योंकि उस समय अपर सर्किट में था और हमारे पास बोनस वाले शेयर्स नहीं आए थे, तो बेच भी नहीं पाए, और प्रोसेस के हिसाब से भी हमने बाद में बेचा उसको। आज शेयर 10% से ज्यादा गिरे, लेकिन कोई भी शेयर 20% से ज्यादा नहीं गिरा। तो ये एक हमारा हमेशा का ऑब्जर्वेशन है, कभी भी हमने 20% से ज्यादा का लॉस नहीं किया है। वैसे मैंने ये सोचा हुआ कि कोई शेयर 20% से ज्यादा गिरेगा तो शायद मैं उसको मिड प्रोसेस निकाल दूं। अल्फा इंडेक्स के अगेंस्ट भी बहुत हमने अच्छा अल्फा जनरेट किया, इसीलिए हम इसको अल्फा पोर्टफोलियो भी बोलते हैं। सारे स्टॉक्स हमने बेच डाले एंड में, केवल थोड़ा सा सालासर बचा कर रखा 2000 क्वांटिटी, ऑर्किड फार्मा, स्नोमैन, ये हमने अल्फा 6.0 में ले आए। तो
अल्फा 5.1 का परफॉर्मेंस रिपोर्ट का जल्दी से अगर हम देखें तो 5वीं का टारगेट हमारा 3% का था, हमने एक्चुअली 12.3%, तो 9% ओवर परफॉर्मेंस अल्फा हमने जनरेट किया है, सुपर एक्सीलेंट ही बोलेंगे इसको। इस भी स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस 4.26 था, तो एक तरह से 8% से हमने उसको भी बीट कर दिया। तो अभी हम आगे ये भी देखेंगे ओवरऑल कैसा रहा। बहुत जल्दी हम देखते हैं कि पांचों के पांचों अल्फा पोर्टफोलियोज की परफॉर्मेंस। अल्फा वन हमारा ये था, 21 अगस्त को हमने बनाया था, जिसमें हमने 5 लाख की कैपिटल से शुरू किया था, 26,000 का प्रॉफिट था और हमने इंडेक्स को 0.83 से बीट किया था। ये पोर्टफोलियो अगर हम तब नहीं बेचते तो तब से अब तक 21% बढ़ चुका होता। ये भी हम एक्सेल शीट में ट्रैक करते हैं, तो अगर आपके पास एक्सेल शीट है तो आप देख सकते हैं कि हर एक पोर्टफोलियो में अगर हमने नहीं बेचा होता तो कितना कितना अभी जीत चुका होता, राइट। अल्फा पोर्टफोलियो 2.0, इसमें 50,000 रुपये और ऐड किए थे और इसमें अगर आप देखो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट था, 8.35%, लेकिन इंडेक्स इसमें नेगेटिव था, तो उस हिसाब से इंडेक्स को हमने इस समय भी 8.5% से बीट किया था, तो ये भी एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो माना जाएगा। और अल्फा 3.0 हमने अगर आप देखो तो 24%, तब से अब तक 25% लगभग बढ़ चुका, तो ये बहुत अच्छे इसने गेन दिए उसके बाद, लेकिन हम उससे भी आगे निकल गए हैं। अल्फा 4.0, अल्फा 5, तो अल्फा 5 जैसे मैंने बोला कि इंडेक्स को हमने इंडेक्स के अगेंस्ट 8.5% का अल्फा दिया है, और अगर हम इसको बंद नहीं करते तो 0.62% नेगेटिव अब तक होता। वैसे तो अल्फा 6.0 भी प्लस माइनस ये भी चल रहा है, तो ये हमारे हो गए पाँचों के पाँच अल्फा 1 to 5। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि अल्फा पोर्टफोलियो हमारा कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको पॉज लेकर आराम से देखना है तो आराम से देखिए, इस वीडियो को पॉज करके कोई जल्दी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अल्फा के 6 महीनों के परफॉर्मेंस की हाइलाइट्स क्या है हमारे अल्फा पोर्टफोलियो के। एवरेज गेन पर पोर्टफोलियो यानी कि हर पोर्टफोलियो में हमें 7.15% का गेन मिला है। दोस्तों अगर आप देखो तो एक साल में बैंक की एफडी आपको 7.15% का गेन देती है, जबकि हमें पिछले लगभग हर पर मंथ ही पकड़ ली 7.15, तो एक तरह से हमने 10 साल का, एक साल में हम 10 साल की बैंक एफडी का पैसा निकाल रहे हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जबरदस्त गेन है दोस्तों। इसका मतलब ये क्या हम एक साल में 71.5% बना सकते हैं, और 71.5% CAGR अगर आपने बनाया तो बहुत ही जबरदस्त माना जाएगा। हमारा तो इनिशियल टारगेट था, मेरे को याद है जब मैंने पहला वीडियो बनाया था कि हमारा टारगेट है 30%, लेकिन क्या ये पोर्टफोलियो 75% दे सकता है, जो कि बहुत ही एम्बिशियस टारगेट था। पता नहीं हो पाएगा या नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा पोलेट अगर हम करें तो उसके आसपास हम उससे थोड़ा सा कम पहुंच ही रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों, हर एक पोर्टफोलियो हमारा हर एक राउंड में पोर्टफोलियो रेड में था किसी ना किसी पॉइंट पे। जैसे अल्फा 6.0 तो इस समय रेड में है, इस समय नेगेटिव है, लेकिन इसी तरह हर पोर्टफोलियो कभी ना कभी रेड में था, स्पेशली पहले एक हफ्ते में, उसके बाद वो ग्रीन हुआ है। इसलिए मैंने बोला कुछ लोगों ने जिन्होंने हमारी प्रोसेस देखी या किसी किसी ने तो हमारा पोर्टफोलियो देखी, अपना पोर्टफोलियो बनाया, तो उनको गेन हमसे भी बेटर उसमें हो गया। अल्फा 5.0 जैसे बहुत ही स्ट्रांग रिजल्ट, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट हमें मिला। कभी भी हमने किस नेगेटिव में अल्फा पोर्टफोलियो क्लोज नहीं किया है, जो कि एक तरह से जिससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फिलहाल मिला हुआ है। ये भी बात है कि इस पीरियड में स्मॉल कैप मार्केट काफी अच्छी रही है, तो एक तरह से अल्फा पोर्टफोलियो मोमेंटम शेयर्स को पकड़ता है, तो और भी हमें उससे भी ज्यादा फायदा मिला। और हमेशा क्या हुआ दोस्तों, कुछ शेयर्स के अच्छे मोमेंटम ने हमें सक्सेस दे दी, तो इसमें मैं ये मानता हूँ 80-20 रूल, 80-20 जो फॉर्मूला होता है वो बहुत अच्छे से काम किया। अब 80-20 फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कि हम ये बोलते हैं कि अगर आपकी टीम है, मान लो इंडिया की क्रिकेट टीम है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, तो 80% काम 20% लोग कर जाएंगे। मतलब जो 20% लोग हैं, हमेशा 20% लोग 80% काम कर जाएंगे, मतलब उनकी परफॉर्मेंस से पूरी की पूरी टीम जीत जाती है। तो अधिकतर पोर्टफोलियो में 2 या 3 शेयर्स ऐसे हैं जो पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को 4 चांद लगा देते हैं, 80-20 रूल। इसीलिए 10 शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाना है, लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो भी आपको मैं आइडियाज दे सकता हूँ कि कैसे आप बड़ा अल्फा पोर्टफोलियो नहीं बनाओ। कम से कम 1 लाख रुपया भी आपके पास है तो आप अल्फा पोर्टफोलियो बना सकते हो। अल्फा 6.0 जो नया बना है उसकी कैपिटल 9.88 लाख हो चुकी है, तो मतलब कि मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि लगभग 10 लाख के आसपास हम पहुंच रहे हैं, तो सीरियस पैसा इस पोर्टफोलियो में हमारा आ चुका है। तो एक तरह से इसको और हर महीने हर इटरेशन में मैं इसमें 50,000 रुपये ऐड करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मे बी 1 लाख रुपीज़ हर बार ऐड कर दूँ, क्योंकि
मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ अपने ऑप्शन सेलिंग में, उसमें भी इतना प्रॉफिट इतने अच्छे से नहीं बन रहा है जितना अल्फा पोर्टफोलियो में बन रहा है, तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। और हाँ दोस्तों, अल्फा पोर्टफोलियो को बहुत और नए नए लोग फॉलो करते जा रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं वन ऑन वन, तो मेरे को अच्छा लगता है कि जब कोई इसको फॉलो करके कुछ सीखता है, कुछ पैसे कमाता है, कुछ मेरे साथ आर्ग्यूमेंट्स करता है, तो उससे चीज़ें सीखने को मिलती हैं हर किसी को। बहुत जल्दी हमारा अल्फा 1.0 था, इसको शायद मैं रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अल्फा 2.0 ये था, 25 सितंबर को बनाया था। इसमें कौन से पॉजिटिव थे, कौन से नेगेटिव, दो 25-25% वाले थे। अल्फा 3.0 अगर आप देखो तो इसमें इसमें तो केवल एक ही पॉजिटिव था, 16%। सबसे जैसे मैंने बोला कि इतना बढ़िया ये नहीं रहा था, लेकिन फिर भी ओवरऑल पॉजिटिव ही था। अल्फा 4.0 में 24% एक था, 5.0 हम आपको दिखाई चुके हैं। तो जो अल्फा पोर्टफोलियो जो हमने बनाया था, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या थी, कौन से शेयर्स हमने सेलेक्ट किए थे, और आप भी उन शेयर को कितने मजे से सेलेक्ट, कितने आराम से सेलेक्ट कर सकते हो। हमने 5 फिल्टर क्राइटेरिया लगाए थे। पहला फिल्टर क्राइटेरिया था कि स्मार्ट मनी, मतलब FISDS का पैसा उसमें होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये था कि स्मॉल कैप स्टॉक्स होने चाहिए, तो हमें क्योंकि बड़े शेयर्स नहीं चाहिए थे, छोटे शेयर चाहिए थे। उनका पूरा का पूरा क्राइटेरिया अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। बेसिकली जो क्वेरी मैंने रन की थी स्क्रीनर में, वो पूरी की पूरी क्वेरी आपको दे दूंगा, कि हर बार जब मैं पोर्टफोलियो बनाता हूँ तो बस वो क्वेरी स्क्रीन में टाइप करके रन करते थे, तो जो रिजल्ट आता है उसमें से हम टॉप 10 शेयर्स उठा लेते हैं। थर्ड है मोमेंटम, मतलब शेयर 52 वीक हाई के आसपास होना चाहिए। फोर्थ है कि उसके प्रॉफिट पॉजिटिव होने चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, और ROC हाई होना चाहिए, मतलब ROC से हम सॉर्ट करते हैं। तो इन क्राइटेरियाज को लेकर के बेसिकली ये क्वेरी हम स्क्रीनर में रन करते हैं। FII + DII होल्डिंग 2% से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब स्मार्ट मनी उसमें होना चाहिए, पढ़े लिखे समझदार लोग उसमें पैसा लगा रहे होने चाहिए, और मार्केट कैपिटलाइजेशन 800 करोड़ से ज़्यादा और 4500 करोड़ से कम। तो एक तरह से मेरे हिसाब से स्मॉल कैप कंपनीज हैं, लेकिन माइक्रो कैप कंपनीज को निकाल दिया, थोड़ा मिड कैप कंपनी की साइड में जा रहे हैं। तो एक तरह से डिसेंटली कैपिटलाइज कंपनीज को हमने चुना। 52 पे इंडेक्स इंस्क्रीट 95, मतलब के 95% ऑफ हाईएस्ट प्राइस के आसपास शेयर का प्राइस होना चाहिए, प्रॉफिट पॉजिटिव होना चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया हमारे थे। तो अल्फा पोर्टफोलियो के पीछे क्या साइकोलॉजी, बहुत क्विकली इसको समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है तो ये समझना जरूरी है कि पोर्टफोलियो के लिए दिमाग कैसा चलता है। सबसे पहले तो थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट हाई होना चाहिए, स्टॉक मार्केट में हो तो ये तो है ही, और अल्फा जनरेशन का माइंडसेट होना चाहिए, मतलब स्टॉक मार्केट जो दे रही है मेरे को उससे एक्स्ट्रा कमाना है। अब तक तो हम एक्स्ट्रा कमा ही रहे हैं इस पोर्टफोलियो में। 7,000 स्टॉक्स हैं, कैसे उन 7,000 में से आप 10 स्टॉक फिल्टर करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो इतना बड़ा ओशन, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। इसीलिए एक सिंपल प्रोसेस बनाई है। जनरली क्वेरी के रिजल्ट में ही 10-20 स्टॉक आते हैं, कई बार तो 10 भी नहीं आते, तो मेरे को थोड़ा सा क्राइटेरिया ट्वीक करना पड़ता है। जैसे 95% के बजाय मैं 90 से 92-93% ऐसे दे देता हूँ। और मैं आपके साथ अपनी स्टडी और अपनी स्ट्रेटजी सबके सब कुछ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि मेरा माइंडसेट क्या है। और विलिंगनेस टू लूज 25% कैपिटल, इस माइंडसेट से मैं बैठा था कि एक साल में 25% तक लूज भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हम जब चाहे बंद तो कर ही सकते हैं, अपने हाथ में है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 70%, ये मैं अपनी वो स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ जो सबसे शुरू में मैंने बनाई थी। उस समय मेरे को लग रहा था 70% प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट होगा, अभी तक तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हो ही रहा है। और जैसे मैंने बोला, उस समय मैंने सोचा था कि मुझे लग रहा है कि 30% से ज़्यादा साल भर में प्रॉफिट बनने की प्रॉबिलिटी, 50% एक्सपेक्टेशन 50% है, और क्या 75% बन सकता है। तो ये स्लाइड अगर आप मेरे अल्फा 1.0 में देखो तो वहीं से मैंने उठाई है कि क्या 75% बना सकते हैं। तो इसके तो अभी थोड़ा बहुत आसपास है, लेकिन अभी तो 6 महीने पूरे के पूरे बचे हैं, लेकिन हाँ 30% को बीट करने के हम रास्ते पे ऑलरेडी चल ही रहे हैं। सेल्फ अर्निंग प्रोसेस है, स्किन इन द गेम, मैंने अपने अपना रियल पैसा लगाया, एक सेपरेट अकाउंट खोला केवल इस पोर्टफोलियो के लिए। तो आपको सिखाने के लिए, खुद सीखने के लिए एक सेपरेट अकाउंट, उस अकाउंट को आप कभी भी चाहो ऑडिट कर लो एकदम। इसीलिए मैं उस अकाउंट का सीधा वीडियो बनाता हूँ सैटर महीने में, हफ्ते में एक बार शॉर्ट वीडियो, मतलब 1 मिनट वाला, जिससे कि आपको समझ में आए कि कुछ सब कुछ ट्रांसपेरेंट है आपके लिए, और पहले दिन से अब तक ऐसे ही चल रहा है। तो इस यात्रा में को ज्वाइन कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ अब तक आपको अल्फा पोर्टफोलियो की जर्नी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आपको। तो इसमें आपके लिए क्या है,
अगर आप ये देखो तो दोस्तों, मैं मानता हूँ कि हर इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और मेरे दिल के बहुत करीब है ये शब्द फाइनेंशियल फ्रीडम। इसीलिए मेरे चैनल का नाम भी फाइनेंशियल फ्रीडम विद अतुल जैन, मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका नाम भी फाइनेंशियल फ्रीडम विद एजे, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम हर इंसान का, फाइनेंशियल फ्रीडम आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं ये मानता हूँ कि अगर फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए तो फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है, एक वो पॉइंट जब आपको जो आपके खर्चे हैं वो करने से पहले आपको सोचना ना पड़े पैसा कहाँ से आएगा। मतलब कि एक तरह से जो आपका लाइफस्टाइल है, जो आपको लाइफस्टाइल चाहिए वो लाइफस्टाइल बिताने के लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा ना करनी पड़े, इतना पैसा आपके पास आने लगे, वो होगी फाइनेंशियल फ्रीडम। तो हर कोई डिजर्व करता है फाइनेंशियल फ्रीडम, तो उसको पाने के लिए ये भी एक तरीका है। ऑफ कोर्स ये केवल इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए तो आपको बहुत मोटा पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको समझना है कि अल्फा पोर्टफोलियो की एक्सेल शीट क्या है, क्योंकि उसमें सारे पोर्टफोलियो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, और अगर दोस्तों आपने कभी भी अल्फा पोर्टफोलियो की एक्सेल शीट खोली है तो प्लीज इस पॉइंट पर एक कमेंट में शेयर कीजिए, आई हैव सीन एक्सेल शीट, आई हैव यूज्ड एक्सेल शीट, ओके इट इज बेनिफिटिंग मी। तो उससे क्या है, और लोगों को एनकरेजमेंट मिलेगा कि इस इंसान ने, कोई तो एक्सेल शीट को देख रहा है। मैंने देखा कि जो मेरे यूट्यूब फॉलोअर्स हैं इन जनरल वो कमेंट और लाइक करने में बहुत ही कंजूसी करते हैं। मेरा तो पूरा का पूरा मोटिवेशन लोग आपके लाइक्स और कमेंट्स ही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपने अगर एक्सेल शीट से कुछ भी बेनिफिट उठाया है या खोल के देखिए तो शेयर कीजिए एक्सेल, आई हैव सीन एक्सेल शीट, या एक्सेल लिख दीजिए बस कॉमेंट में एक्सेल, ठीक है। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस से आप सीख सकते हैं, बिना पैसा लगाए आप सीख सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है आप काम करें, आप कुछ समय बिताएं। इतना डिटेल प्रोसेस मुझे तो लगता नहीं आज तक किसी ने किसी को फ्री में ऐसे सिखाया होगा जिस तरह से मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको अपडेट करता जा रहा हूं। और हर एक अपडेट मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप में तो डालता ही रहता हूं। अगर आपको पूरी जर्नी देखनी है डे वन से लेके आज तक की पिछले 6 महीने में, तो सारे वीडियोस देखिए दोस्तों। मोटा पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट नहीं है, आपको समझ में आएगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम यहाँ तक पहुंचे। जिस दिन मैंने शुरू किया था उस दिन उम्मीद थी, उस दिन एक होप थी, लेकिन पता नहीं था कि हम एक्चुअली 6 महीने बाद इतने अच्छे रिजल्ट पर बैठे होंगे। तो सारे वीडियोस देखिए, और खासकर बड़े वाले वीडियो, हर महीने एक वीडियो बनाया आधे आधे घंटे का, 20-20 मिनट का, कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। क्योंकि वो देख के आपको कम से कम अपना अपना पोर्टफोलियो बनाने में कॉन्फिडेंस आएगा। आप ये पोर्टफोलियो ना बनाकर बिल्कुल नया पोर्टफोलियो बनाओगे, लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि आपका पैसा एक दिन में डूब जाए, कोई आप फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली एक पोर्टफोलियो बना रहे हो। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि प्रलय आ गई, पोर्टफोलियो डूब गया, आराम से चलता है पोर्टफोलियो। अच्छे शेयर्स खरीदो आपने तो, स्मार्ट मनी वाले शेयर्स खरीदो आपने तो। सेम प्रोसेस का इस्तेमाल करके आप अपना अपना खुद का पोर्टफोलियो, अपने खुद की प्रोसेस बना सकते हैं, उस प्रोसेस से आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। कोई भी डाउट है आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में। और एक्सेल शीट में जैसे मैंने बोला पूरी की पूरी हिस्ट्री है, और बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सेल शीट बनाई हुई है इसकी। जैसे मैंने बोला अगर आपने कुछ करना भी नहीं है तो भी जस्ट जर्नी को ऑब्जर्व कीजिए और अपनी जर्नी बनाइए, फिर उस जर्नी को एंजॉय कीजिए। फाइनली आपका फाइनेंशियल फ्रीडम आपका गोल होना चाहिए। तो एक ये तरीका मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि जिससे कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी, क्योंकि एक बार आपने यहाँ से शुरुआत की तो फिर अपने रास्ते खुद खुलते जाएंगे आपके पास। और अल्फा पोर्टफोलियो 6.0 में बना चुका हूँ, जैसे मैंने बोला कि इस समय वो मेरे बाइंग प्राइस के नीचे हैं अधिकतर शेयर्स उसके, तो आप उसको भी बना सकते हैं, वो तो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। हमेशा मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको जिस दिन, मान लीजिए आज फ्राइडे है, मंडे को आपको पोर्टफोलियो बनाना, तो मंडे को फ्रेश क्वेरी रन कीजिए, उस क्वेरी का जो रिजल्ट आएगा उसको, उन शेयर्स को लीजिए आप, तो एक तरह से आप प्रोसेस को पकड़ लेंगे, है ना। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि मैं वो वही फॉलो करे जो मैं कर रहा हूँ, तो मैंने अपने अपडेट डाले हुए हैं, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और ऑब्वियसली ये सब शेयर्स मेरे खुद के खरीदे हुए हैं, क्योंकि मैं अब खरीद चुका हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं अनाउंस कर देता हूँ अपने ग्रुप में, आज मैं क्वेरी रन के शेयर रन करके शेयर्स खरीदने वाला हूँ, तो कुछ लोग मेरे से पहले भी उसको रन कर देते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो दोस्तों पूछिए। आशा करता हूँ अब तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अल्फा पोर्टफोलियो का फ्यूचर क्या है दोस्तों, मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग फ्यूचर है, और मैं तो चाहता हूँ कि बहुत ब्राइट फ्यूचर हो। ये तो मैं नहीं पता है, वो तो टाइम बताएगा, लेकिन अब तक के रिजल्ट बहुत एनकरेजिंग है।
इस जर्नी में मेरे साथ आगे बढ़िए। पूरे के पूरे लाइव पोर्टफोलियो का लिंक मैं अपने ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। कुछ भी आप कमेंट डालेंगे, ऐसा कुछ आप कुछ कमेंट्स आप वो डालेंगे जिनको देख के मुझे अच्छा लगे कि यार मैंने मेहनत की है, तो कुछ लोग अप्रिशिएट कर दे उसको। फिर कुछ कमेंट्स में आपके क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क सजेशंस, ऑल सजेशंस आर वेलकम। कुछ भी आपको इम्प्रोवाइज स्ट्रेटेजी हो, आप शेयर करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, कीजिए, यू आर मोस्ट वेलकम। मेरा एक परमानेंट व्हाट्सएप ग्रुप है फाइनेंशियल फ्रीडम विद एजे, उसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में को आप जाएंगे तो एक छोटा सा फॉर्म है, फॉर्म भर के सीधे आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं क्लिक करके, जो कि बहुत ज़रूरी है। और स्टॉक मार्केट की कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, ऑल आर सब्जेक्टेड टू मार्केट मार्केट रिस्क, ये तो है ही दोस्तों। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एक कॉमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम, जैसे मैं हमेशा इस पॉइंट पे आके रुक जाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि जो भी इंसान मेरे साथ जुड़े किसी ना किसी तरह फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में बढ़े आगे। क्योंकि मैंने ये देखा है कि फाइनेंशियली एक बार इंसान फ्री हो जाता तो कितना एक्चुअली फ्रीडम लाइफ में मिल जाता है, वो चीज़ करने के लिए जिनके बारे में हम नहीं तो अदरवाइज सोच ही नहीं पाते, या इतना लेट उस स्टेज में पहुंचते हैं लाइफ में कि उसको हम एंजॉय करने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि फिर पैसा हमारा बीमारियों में ही खर्च होता है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, और मैंने इस जर्नी को जिया है। मैंने 17 साल की एज के बाद, 17 साल काम करने के बाद अपनी जॉब छोड़ दी थी, तो 11 साल मेरे को जॉब छोड़ कर हो गए। तो एक तरह से मेरे पास एक लेवल की फाइनेंशियल फ्रीडम है, और अगर हम साथ में काम करें, अगर साथ में ना भी करेंगे, अगर आप फाइनेंशियल के बारे में सोचोगे तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल ही जाएगी एक ना एक दिन। तो दोस्तों, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन, आपसे लूंगा विदा, और फिर लेकर आऊंगा आपके लिए कुछ बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता रहा है तो अपना प्यार बनाते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।